नमस्कार, उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से आज और कल महामहिम रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ कानपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सिविल एयरड्रोम पर अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सिविल एयरड्रोम पर अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने करी। इसके बाद राष्ट्रपति यहां से मेहरबान सिंह पुरवा गांव के नेता हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इसके बाद महामहिम सर्किट हाउस पहुंचे, जहां 31 गणमान्य लोगों से मुलाकात होगी। तो वहीं आपको बता दें कि सपा से गठबंधन को सभी उतारू हैं। बात करेंगे मिशन यूपी की, लेकिन उससे पहले आपके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर किए बड़े ऐलान के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर सपा सत्ता में आती है तो वो किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को 25 लाख रुपए की सम्मान राशि जरूर देगी। आपको बता दें अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसान का जीवन अनमोल होता है, क्योंकि वो अन्य के जीवन के लिए अन्न उगाता है। हम वचन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की किसान शहादत सम्मान राशि दी जाएगी। आगामी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही पार्टी में जोड़ तोड़ की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करी, जिसके बाद गठबंधन होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लोहिया ट्रस्ट में करीबन एक घंटे तक मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा, अखिलेश यादव से हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है, कॉमन एजेंडे को लेकर हमने बात की। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, चुनाव को लेकर के ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी गठबंधन की सीटों को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। आपको बता दें संजय सिंह ने इससे पहले 21 नवंबर को सपा संस्थापक मुलायम सिंह के घर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी, और इसके पहले भी एक बार संजय सिंह की मुलाकात अखिलेश यादव से हो चुकी है। तो इसी दौरान हमारे संवाददाता ने आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह से खास बातचीत करी है, क्या कुछ बातचीत हुई देखिए। जयंत चौधरी के सपा में शामिल होने के बाद अब आम आदमी पार्टी का भी सपा से गठबंधन के कयास उत्तर प्रदेश के चुनाव में तेज हो गए हैं। इस पर खास बातचीत के लिए खुद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर बातचीत करते हैं। संजय जी, आज आपका अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, अचानक से सियासी गर्मी में सियासत में गलियारों में गर्मी तेज हो गई, आखिर क्या मुलाकात में बात हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कुशासन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का आदित्यनाथ जी की तानाशाही का राज चल रहा है। इस राज को कैसे मिलकर हटाना है, इसको लेके एक आम सहमति हुई, और एक ऐसा शासन जिसमें गरीब को उसका हक नहीं मिल रहा है, किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, लाठियां और आंसू गैस के गोले मिल रहे हैं, नौजवान को मुकदमे मिल रहे हैं, FIR हो रही है, उसको लाठियों से पीटा जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। कोरोना की महामारी में हमने देखा कि किस तरीके से नदी के घाट पे लाशें सड़ी हुई मिली। तो इस कुशासन को, इस राज को हटाना है, जहां पे प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर हो जाता है, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की SSP हत्या करवा देता है। तो इसको लेके और क्या क्या भविष्य में करने की जरूरत है, जैसे बिजली के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, इन मुद्दों को लेकर बात। आपने मुद्दों को लेकर तो बात की, लेकिन सवाल मेरा सीट को लेकर है, क्या आम आदमी पार्टी? आज कोई बातचीत नहीं हुई है, और जब सीट को लेके या गठबंधन को लेके कोई बातचीत होगी तो जरूर आपको जानकारी देंगे। तो अभी हम इंतजार करें कि अभी आम आदमी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा से अगर गठबंधन करती है तो? अब वो उसका जब फैसला हो जाएगा तो जरूर आपको माना जा रहा है कि तमाम छोटे दल मिलकर अब भाजपा को चुनौती देने के मूड में आ गए हैं। हाँ, निश्चित रूप से भाजपा को हटाना सबकी प्राथमिकता है, और इस समय जो हालात बीजेपी ने कर रखा है उत्तर प्रदेश की, उसके कारण से भी है। आपकी मुलाकात के बाद ही अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, कहा है कि किसान जो शहीद हुए हैं हमारी सरकार आती है तो उनको 25 लाख रुपए देंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, स्वागत योग्य फैसला है। किसानों ने अपनी शहादत इस आंदोलन में दी, और
कि दुर्भाग्य ये रहा कि सरकार ने उनकी पीड़ा, उनकी आवाज को नहीं सुना, और अगर अखिलेश जी ने ये फैसला किया है तो बहुत अच्छी बात है। ये थे पार्टी के प्रभारी संजय सिंह। संजय सिंह ने साफ तौर पर देखिए तमाम मुद्दे जो इस समय उत्तर प्रदेश में गर्म है उस पर तमाम मुद्दों पे हमने सार्थक बातचीत की है, और रही बात सीट बंटवारे की तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम सीट पे भी लेकर बातचीत करेंगे, जो होती है हम मीडिया को जरूर बताएंगे। कैमरामैन आमन के साथ में जय सिंह, जनता टीवी लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अपना दल की अध्यक्षा कृष्णा पटेल कृष्णा गुट की मुलाकात हुई है। दोनों पार्टी के बीच गठबंधन करने पर सहमति बन गई है, लेकिन फिलहाल सीटों को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत सामने नहीं आई। हमारे संवाददाता ने अपना दल अध्यक्षा कृष्णा पटेल से खास बातचीत करी, देखिए। अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल हमारे साथ हैं। कुछ देर पहले इनकी मुलाकात हुई अखिलेश यादव से, और आपकी मुलाकात हुई, क्या चर्चा रही, किन सीटों पे क्या बंटवारे को लेकर कोई बातचीत हुई अभी? किसी सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, केवल हम लोग साथ खड़े होकर के मंच साझा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश में जो पटेल समाज है उसको लेकर राजनीति करती हैं आप लोग, दो बटों में भागों में बटा हुआ है। अनुप्रिया पटेल अलग राजनीति करती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। किस तरह से देखती हैं, कैसे वोट बैंक को साधा जाएगा, कैसे समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने के लिए जो कोशिशें की जाएंगी? देखिए, किसी ने कहा है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने पे जरूर सफलता मिलेगी। और रही दो फाड़ और एक फाड़ की बात, जब से ये अपना दल बना लगभग 20 दल बन चुके हैं, लेकिन असली दल डॉक्टर पटेल का बनाया हुआ ये अपना दल है, जिस कार्यालय में मैं बैठी हूँ। जब डॉक्टर साहब जिंदा थे उनके साथ बराबर निरंतर मैंने चलने का काम किया है, और कई बार उन्होंने जब चुनाव लड़ा है तो उनके साथ चुनाव में डमी कैंडिडेट भी मैं ही रही। प्रतापगढ़ की सदर सीट से क्या दावेदारी मजबूती मानी जाए? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सदर से दावेदारी मजबूत मानी जाएगी, अभी तो हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। अलीबी को लेकर क्या कहना है, क्या उनका भी टिकट के लेकर बातचीत फाइनल हो गई है? नहीं, किसी को लेकर कोई बात नहीं हुई है। अभी जो आप समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके लिए क्या उधर प्रचार प्रसार करने के लिए भी आएंगे, और आप लोग भी क्या उनके साथ नजर आएंगे अलग अलग? जब चुनाव घोषणा हो जाएगी तो हम भी उनके मंच पे जाएंगे और वो हमारे साथ प्रचार प्रसार करेंगे और हम भी उनके साथ प्रचार प्रसार। आज आपकी बातचीत हुई है तो क्या किसी तरह के जो कार्यक्रम है वो भी निर्धारित हुए हैं कि आप लोग कैसे? नहीं, उन्होंने अभी एक दो दिन का समय मांगा है, समय के बाद निर्धारित करेंगे, फिर उसके बाद एक ही मंच पे हम दोनों लोग आ जाएंगे। सीटों को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई? जी नहीं। तो देखिए, कृष्णा पटेल जी का साफ तौर पर कहना है कि अभी सीटों को लेकर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन औपचारिक एक जो मुलाकात है वो हो चुकी है, और जल्द ही अपना दल समाजवादी पार्टी के खेमे में नजर आएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी लखनऊ। नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसे लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शिलान्यास के पहले क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है। ऐसे में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर ट्वीट करते हुए जोरदार हमला बोला। उन्होंने लिखा कि अखिलेश जी, 2024 में पूरी तरीके से खाली होने के बाद आप अपने विदेशी सैर सपाटे के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ले सकेंगे, हार्दिक बधाई। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के भावी रणनीति की जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी सदस्यता अभियान का आगाज करेगी, जिसमें 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। छब्बीस नवंबर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म दिवस है, संविधान दिवस के रूप में हम सब लोग मनाते हैं। कांग्रेस पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। एक परिवार के नए 4 सदस्य और 15 दिन में कांग्रेस पार्टी 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रखा है। इस अभियान के अंतर्गत न्याय पंचायत और वार्डों के
किसान मोर्चे का प्रधानमंत्री को खुला लेटर लिखने के बाद अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी किसानों को तीन कृषि कानून या फिर एमएसपी को लेकर बात करने के लिए निमंत्रण नहीं मिला, जिसके बाद लखनऊ महापंचायत से लौट आए राकेश केतायत ने जनता टीवी से बात करते हुए कहा कि सरकार चाहे तो सारी मांगों को पूरा करने के बाद धरना खत्म करा सकती है और हम खुद भी चाहते हैं कि हमारी मांगे मानने के बाद हम इस धरने को खत्म कर दें। राकेश टिकैत का कहना है कि 26 जनवरी यानी कि जनवरी 2022 से पहले सरकार इन सभी मुद्दों पर खुलकर बात करे, हम तैयार बैठे हैं, लेकिन सरकार हमसे बात ही नहीं करना चाहती है और ना ही कोई निमंत्रण हमें मिला है। भाई पता नहीं सरकार बात कर रही है नहीं कर रही, हमारे से जब बात करेगी जब हम बताएंगे। अब ये तो क्वेश्चन सरकार के, सरकार जवाब देगी। तो आंदोलन की कहां बात कर रहे हैं, वापसी की? आंदोलन तो चलता रहेगा, आंदोलन के वापसी की बात भी सरकार बताएगी। ये कहा कि उम्मीद ये है कि जनवरी से पहले, 26 जनवरी से पहले पहले सरकारी किसानों की सारी बात मान लेगी। वो 26 जनवरी 2022 यहाँ पे ना किसान मनाए तो उससे पहले पहले मामले सारे सोल्व हो जाने चाहिए। आज सरकार को लेटर लिखा हमने तो जवाब नहीं दिया। किसी मंत्री को लिखा था या भारत बात बन जाएगी? बात बननी चाहिए सरकार को, भाई बात बना लेनी चाहिए। गाजियाबाद में पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ करने वाली लोनी बॉर्डर पुलिस का कारनामा आखिरकार सामने आ गया। पुलिस ने आसिफ नाम के नाबालिग आरोपी को बालिग बताकर जेल भेज दिया। इस बात का खुलासा सीओ लोनी की जांच रिपोर्ट में हुआ है। तो वहीं नाबालिग की मां जब जेल में, आपको बता दें कि वहां पहुंची, तो उसने भी बताया कि उसका बेटा नाबालिग है और वो गलत फंसाया गया है, लेकिन पुलिस ने पीड़ित मां की एक बात तक नहीं सुनी। बड़े और गोली मारा लगे और गोली लगती रही और बेहोश होते रहे, गोली लगती रही बेहोश होते रहे। आखिर में जो आसिफ और सलमान, मैं पुलिस वालों के पैरों में गिर गई, बाबूजी मारो ना, और तो उन खड़े करके फिर उनका गोली मारी, आसिफ का दो गोली लगी। ये किसने बताया था आपको? आसिफ ने बताया था। जेल में अभी? अच्छा, तो ये क्या कर रहे थे अंदर उस समय जब भी पुलिस घुसी थी अंदर? किसने गेट खुलवाया था? वे ड्राम धो रहे थे। अच्छा, ड्राम धो धाका बस जो करूं खड़े खड़े फिर लगा नहीं। यू काम था। तो आपको बता दें कि सूबे में इस समय सियासत पुरजोर चल रही है। समाजवादी पार्टी तमाम पार्टियों के साथ, छोटे छोटे दलों के साथ, जैसा कि पहले ऐलान किया हुआ है कि गठबंधन करेगी, गठबंधन की प्रक्रिया का आगाज हो चुका है। आज आम आदमी पार्टी के साथ में मुलाकात हुई, साथ में अपना दल सोने, अपना दल कृष्णा गुट के साथ में, उनके अध्यक्षा के साथ में मुलाकात हुई है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे साथ लखनऊ से तौकीर किदवई जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने कदम आगे बढ़ा रही है, लगता है कि किसी तरह का कोई गणित फिट बैठ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम मुलाकातों में, कल से जो मुलाकातें चल रही है, इसमें अभी तक सीटों का निर्धारण नहीं हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं ये भी संदेह पैदा होता है कि सीटों की जब बात आएगी तो क्या ये अलायंस टिका रहेगा या खत्म हो जाएगा? देखिए, अखिलेश यादव लगातार इस बात को कहते आए हैं कि वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे और अब कई दल उनके साथ नजर भी आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी है, लोकदल है, और इसके अलावा आज जिस तरह से संजय सिंह मिलकर आए आम आदमी पार्टी के, तो कई ऐसे कई दल हैं जो सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बात पे कयास पूरी तरह से सफल होते हैं, क्योंकि जो पहले इस अंदेशा जताया गया था कि ये सभी दल साथ में आएंगे, लेकिन जो आप कह रही हैं, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि ये गठबंधन बिना सीट के बंटवारे के हो रहा है, तो ऐसा सोचना मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि जो भी पार्टियां हैं वो अपनी शर्तों के साथ इस गठबंधन में शामिल हो रही हैं। कहीं ना कहीं तय हो चुका है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कहां से लड़ेगा, तो यहां तक की बातचीत पूरी होने के बाद ही वो समाजवादी पार्टी के खेमे में शामिल हो रही हैं। मारा यह भी जा रहा है कि 30 सीटें करीब आरएलडी को दी गई हैं, जिसमें 5 सीटें ऐसी होंगी जिसमें साइकिल के टिकट पर कैंडिडेट होंगे। इसी तरह से जो राष्ट्रीय लोकदल है, जिसमें कृष्णा पटेल का जो गुट है, और उसकी तरफ से जब आज गठबंधन का ऐलान किया गया तो उसमें भी माना जा रहा है कि 2 सीटें होंगी। इसी तरह से 25 सीट करीब आम आदमी पार्टी के लिए भी खाते में जा सकती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की खास बात यह भी है कि वो अपने कई कैंडिडेट को पहले ही मैदान में उतार चुके हैं, वो 2 लिस्ट जारी कर चुके हैं जिसमें 60 से ज्यादा कैंडिडेट का वो नाम साबित कर सामने ला चुके हैं कि वो कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी उलटफेर एक बड़ा बाकी है,
क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जो मैदान में हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, अब ऐसे में उनका टिकट अगर कटता है, क्योंकि अब 25 सीटों पर तक अगर सीमित रह जाती है आम आदमी पार्टी, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रत्याशी होंगे अब वो क्या करेंगे, तो ऐसे कई सवाल हैं जो इस गठबंधन के बाद भी खड़े होंगे। तो फिलहाल अभी एक नाम रह गया शिवपाल सिंह यादव का, जिनको लेकर भी चर्चाएं थी कि वो भी समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे, लेकिन आज वो सैफई में मौजूद है और उनको लेकर अभी औपचारिक कुछ नहीं कहा गया है। तो अभी इंतजार करना होगा शिवपाल सिंह यादव का भी, क्योंकि अब आखिरी जो छोटा दल है वो शिवपाल सिंह यादव ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर तौकीर ये है कि जब अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि मैं तमाम छोटे दलों के साथ में गठबंधन करने को तैयार हूँ, शिवपाल सिंह यादव खुले मंच से बार बार कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं, अखिलेश यादव को हम मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं, तमाम तरह की बातें, लेकिन 100 सीटें वो मांग रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अलायंस की ये जो तलवार है ये सिर्फ सीटों पर आकर अटकी हुई है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो दावेदारी है, क्योंकि जिस क्षेत्रों से वो सीटें मांग रहे हैं, फिरोजाबाद, इटावा, वो सब जो इलाके हैं वो इलाके समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है, तो ऐसे में जो कन्नौज है खासकर इस पूरी बेल्ट में, तो ऐसे वो जो इलाके हैं वहीं से दावेदारी शिवपाल सिंह यादव की भी है, तो उसी सीटों को लेकर मारा जा रहा है कि ये जो सहमति है वो अभी तक नहीं बन पा रही है, क्योंकि जिन जगहों पर दावेदारी समाजवादी पार्टी, क्योंकि खास बात है कि दोनों एक ही परिवार का हिस्सा रहे हैं, ऐसी जगहों पर ही पूरे समाजवादी परिवार का एक बड़ा दबदबा रहा है, तो ऐसे में अगर एक ही गढ़ में दोनों लोग सेंधमारी करने की कोशिश में है, तो ऐसे में सहमति बनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि नेता मुलायम सिंह यादव की जो इसमें हस्तक्षेप के बाद जल्दी बात भी बन जाएगी, क्योंकि अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव और इनके बीच में भी काफी हद तक सहमति बन चुकी है, सिर्फ एक औपचारिक घोषणा की जरूरत रह गई है, और वो भी माना जा रहा है कि जल्द ही ये भी घोषणा भी 4 से 5 दिन में शिवपाल सिंह यादव को लेकर भी अखिलेश यादव कर चुकेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार प्रेस वार्ताओं में अलग अलग सवाल जब उनसे पूछे जाते हैं अलग अलग जगहों पर, तो उनका कहना होता है कि शिवपाल सिंह यादव का पूरा सम्मान रखा जाएगा और जल्द ही वो नजर भी आएंगे। अभी हाल ही में 22 नवंबर को लेकर चर्चा थी कि जब नेता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन होगा तो वहां पर शिवपाल सिंह यादव साथ में नजर, तमाम कोशिशें शिवपाल यादव कर चुके हैं लेकिन ये कोशिशें फिलहाल रंग लाती नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात देवभूमि की करेंगे। देवस्थानम बोर्ड इस समय देवभूमि का सबसे बड़ा और अक्षय प्रश्न बना हुआ है। देवस्थानम बोर्ड भंग कर सकती है उत्तराखंड सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सीएमओ पुष्कर सिंह धामी बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जा सकता है। त्रिवेंद्र सरकार में देवस्थानम बोर्ड ड्राफ्ट किया गया था, बनाया गया था, बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित उसी दौर से थे, लेकिन प्रदर्शन चला, विरोध हुआ, खून से लेटर तक लिखे गए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अवरोध डालने की भी चेष्टा इस दौरान हुई, घिराव हुआ, मंत्रियों के आवास का तमाम प्रकरण, ताम झाम दंडवेद सब कुछ, शाम दाम दंडवेद सब कुछ अपना लिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियां हैं देवस्थानम बोर्ड पर ढाक के तीन पार जैसी नजर आती हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गले के पास जो बनी हुई है धामी सरकार के, हो सकता है ये पास सत्ता के रास्ते से निकल जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, जो कि खत्म हो गई है। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक थी जिसमें राज्य के सभी सम्मानित नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें चर्चा की गई है कि किस तरीके से राज्य में आगे बढ़ना है। कांग्रेस प्रदेश कमेटी की ओर से उत्तराखंड में चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग का काम हम और कितनी तेजी से कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई है। भाजपा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा आज से शुरू हो गया, जिसमें पार्टी के रोडमैप के धरातलीय क्रियान्वयन का जायजा लेने के साथ ही प्रभारी चुनाव प्रबंधन के तहत समितियों के अलग अलग समूहों में समीक्षा भी करेंगे। भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा संगठन की ओर से बनाए जा रहे रोडमैप को धरातल पर उतारने के लिए भाजपा चुनाव प्रभारी सह प्रभारी 2 दिवसीय यानी कि 24 और 25 आज और कल उत्तराखंड प्रवास पर रहने वाले हैं, जिसमें कई बैठकें होंगी। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य चुनाव की ओर अग्रसर है और हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं माननीय प्रहलाद जोशी जी, वो आज पहुंच रहे हैं, जो सह प्रभारी हैं लोकेट चटर्जी, आरपी सिंह जी, तीनों लोग पहुंच रहे हैं। हमारे प्रभारी जो हैं पार्टी के, वो भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और आज शाम बैठक प्रारंभ होगी। पहले मुख्यमंत्री आवास में पदाधिकारी बैठक है, उसके बाद शाम को
पार्टी कार्यालय में बैठकें हैं, महामंत्रीगणों के साथ बैठकें हैं, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक है, और अलग अलग जो हमारे विभाग हैं चुनाव संचालन प्रबंधन को लेकर के, जो चुनाव प्रबंधन के 33 विभाग है, 33 विभागों के कुछ विभागों के साथ उनका बैठना है। कल तक वो यहाँ रहने वाले हैं और उनका मार्गदर्शन तमाम विभागों को मिलने वाला है कि किस प्रकार से हम जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर के काम करें, किस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व की क्या क्या अपेक्षाएं जो हैं विभागों से, उन सब पर चर्चा परिचर्चा होगी और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अरजीत कांबो जुड़ चुके हैं देहरादून से। अरजीत, क्या कुछ अपडेट है? प्रवास 2 दिनों का है लेकिन बेहद खास, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर पकड़ मजबूत बनाने की कवायद बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा, उत्तराखंड अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है और आने वाले कुछ ही समय बाद प्रदेश में आचार संहिता भी प्रभावी हो जाएगी। तो ऐसे में अब दोनों ही जो बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे भाजपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो, दोनों ही दल अपने चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन राजधानी देहरादून में करने लगे हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, तो वहीं अब भाजपा के जो चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी अपनी टीम के साथ राजधानी देहरादून में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद ठीक 6 बजे से भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू होगा और ये कल देर शाम तक चलने की उम्मीद है, जिस तरह की जानकारी भाजपा कार्यालय की तरफ से जारी की गई है। कुल 33 बैठकें इस 1.5 दिन के कार्यक्रम में होनी है, जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जो पदाधिकारी हैं संगठन के सभी के साथ प्रहलाद जोशी बैठेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, रोड मैप तैयार करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव का, कैसे हम जनता के बीच जाना है, किन किन मुद्दों को लेकर जाना है, क्या कुछ इसमें चर्चाएं हो सकती है, क्या हम मैसेज दे सकते हैं, तो इन तमाम विषयों को लेकर ये बैठकें होनी है जो अब से कुछ ही देर बाद 6 बजे से शुरू होने जा रही है। बिल्कुल अजीत, जब हम बीजेपी की कार्यशैली पर नजर डालते हैं तो जिला अध्यक्ष हो या फिर बूथ प्रभारी हो, तभी सभी पर बराबर का फोकस रहता है, तो क्या इन 33 जो बैठकों का दौर है इसमें भी यही कार्यशैली देखने को मिलेगी, उन्हें ही स्ट्रांग करने का काम किया जाएगा या फिर इस बार फोकस बूथ से ज्यादा पन्ना प्रमुखों पर रहने वाला है? बिल्कुल, अगर पन्ना प्रमुखों की बात की जाए तो भाजपा में उनका काफी अहम रोल होता है और पन्ना प्रमुखों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कितना वोट बैंक वो अपने खाते में डाल सकते हैं। तो ऐसे में लंबे समय से पन्ना प्रमुखों को मजबूत किया जा रहा है, हालांकि बूथ स्तर पर भी काफी मजबूती के साथ भाजपा उतरने का दावा कर रही है। अब जो 33 बैठकें होंगी इसमें 1-1 घंटे के अंतराल पर कई बैठकें होनी है, इसमें पन्ना प्रमुखों का जिक्र होगा, तो वहीं बूथ लेवल पर कैसे मजबूत हो सकता है इनका जिक्र होगा, सरकार की क्या क्यों योजना है जिनको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आम जनता के बीच पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर जो सबसे पहली बैठक होनी है वो मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के साथ होनी है, जब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी और उसके ठीक बाद 6 बजे का समय दिया गया है भाजपा प्रदेश कार्यालय में इन बैठकों के, जो एक दौरा शुरू होगा इन बैठकों का वो शुरू होने जा रहा है लगातार, जिसमें चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी होंगे, आरपी सिंह होंगे, लॉकेट चटर्जी होंगी, इनके साथ ही मुख्यमंत्री के होने की उम्मीद है, साथ ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो भाजपा की कोशिश यही है कि आप पूरी तरह से चुनावी मोड में आते हुए आने वाले समय में भाजपा को मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ वापसी करनी है सत्ता में, इसको लेकर अभी से ग्राउंड जीरो पर काम शुरू कर दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, हर दल अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है कि जमीन को और मजबूत किया जाए, मजबूती देने की कोशिश दोनों ही, तीनों ही दलों की है, लेकिन सबसे बड़ी बात दल जमीन पर मौजूद कौन है, जनता कितने प्रभावित होती है इन कोशिशों से, ये देखने वाली बात होगी। बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।